हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी जो है आज एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन में हम लोग खड़े हुए हैं, और ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये कोई ट्रैवलिंग वीडियो नहीं है, ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आप लोग मेरे पीछे खड़ी हुई एक गाड़ी देख रहे होंगे, इसमें जो है पूरा बेड सिस्टम है सोने का, और साथ में किचन भी है। तो ये देखिए ये खड़ी है गाड़ी, और ये रहे हमारे गाड़ी के ओनर। हेलो भाई। हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो विकास भाई से पूछेंगे कि ये गाड़ी कौन सी है और भाई ने कब ली थी, मतलब जो भी बता सकते हो। भाई ये है फोर्ड फ्री स्टाइल। अभी फोर्ड इंडिया से एग्जिट कर चुका है, तो ये गाड़ी नई नहीं मिलती है। ये मैंने ली थी 2018 में, मुझे पड़ी थी उस टाइम पे 7 लाख ऑन रोड। ये था बेस मॉडल, तो 5 साल हो जाएंगे इसको इस साल जून में। तो आपने जो इसमें सेटअप किया है उसके बारे में देखेंगे मेन, क्योंकि वही है हमारा फोकस कार कैंपिंग के लिए। बिल्कुल, कार कैंपिंग के लिए। तो जो भी अगर कोई होगा वो भी आपसे थोड़ा सा सीख सकता है, जिसके पास भी ऐसी गाड़ी हो, है ना। ऐसे ही मैंने भी भाई आपकी वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, तो आइडिया निकाल के बेसिकली होता है कि आपकी जो गाड़ी है आप उसमें अपने हिसाब से सेटअप करो, किसी को कॉपी मत करो। बिल्कुल, आपको बेस्ट पता चलेगा कि आपका कम्फर्ट लेवल क्या है। तो चलिए अब भाई बताएंगे आपको पूरा जो जो इन्होंने किया हुआ है। तो मैंने बेसिकली सोलो ट्रैवल करता हूँ मैं, तो मैंने एक साइड का सेटअप बनाया सिर्फ। पहले मैंने ये सीट पूरी निकाल दी थी, ये सोचा था कि इसको पूरा फ्लैट नीचे मैं यहाँ पे सो जाऊँगा, बट फिर इंडिया यू नो कुछ रेगुलेशंस ऐसे क्लियर भी नहीं है। चेकिंग वेकिंग करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो इसलिए मैंने पैसेंजर सीट रखी। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर रास्ते में आपको कोई मिल जाए, किसी को लिफ्ट देनी हो या किसी को बैठना हो या मुझे ही बैठ के काम करना हो, क्योंकि वहाँ बैठ के लैपटॉप अगर मैं रखूँगा तो स्टेयरिंग व्हील के साथ आएगा नहीं। तो मैंने इस हिसाब से ये सेटअप बनाया है कि ये वाली सीट हम रिक्लाइन करेंगे, और आगे दिखाता हूँ मैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये एक बॉक्स बनाया मैंने जो मल्टीपर्पज़ काम करता है, इसी के ऊपर मैं सोता हूँ इतना। और उसके आगे ये एक प्लैंक है जो एक्सटेंड हो जाता है, जिसके नीचे सपोर्ट लगती है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बॉक्स कितना डीप है। ये देखो, ये लगभग ये अभी भी कम से कम 1.5 फीट के आसपास है ये, बहुत आराम से। और ये दोनों साइड से एक्सेसिबल है, इस साइड से भी खुल जाता है, मतलब कुकिंग का पूरा सामान, बर्तन ये वो, मतलब सब टोटल। देखो ना सामान, देखो इसमें कुकर वुकर सब, दो कुकर पड़े हुए हैं। सामान तो देख सकते हो, क्योंकि इसके बाद कैंपिंग वीडियोस हमारी आएंगी, तो बिल्कुल बिल्कुल भाई बहुत सारी कुकिंग करके क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक है यार, तो मैंने कुकिंग का सामान ज्यादा रखा, बाकी कुछ हो ना हो बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेटअप कैसे करते हैं। तो पहले यहाँ पे हमको आगे थोड़ा सा इस साइड पे थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, और सीट रिक्लाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे मेन चीज़ जो मुझे करनी थी, इसका बैक सपोर्ट है वो निकालना था। वो ऐसे ही एक क्लिक होता है यहाँ पे, जहाँ पे लगता है, दो क्लिक्स के साथ वो निकल जाता है। तो उसके बाद ये रिक्लाइन करेंगे तो ये फ्लैट सरफेस बन जाता है, जो मैं आपको करके दिखा रहे हैं भाई। पहले मैं आपको सामान, और पूरे प्रोसेस में यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये पिलो सॉरी ब्लैंकेट्स हैं, और ये इसके ऊपर मैट्रेस आता है जो मुझे यहाँ से निकालना ही पड़ता है क्योंकि बिछाना ही है। तो ये मैं आपको बिछा के नहीं दिखाऊंगा, बट सरफेस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये दो स्टूल है, काफ़ी पुराने पड़े थे मेरे पास, और मैंने इसी को ही यूज़ में ले आया, कुछ भी नया नहीं बनाया। तो एक स्टूल यहाँ पे जाता है सीट के ऊपर, ये सीट हो जाती है रिक्लाइन, ठीक है। इसके अंदर सामान भी आ जाता है, स्टोरेज भी हो गया नीचे। एग्जैक्टली, ये सीट हो जाती है रिक्लाइन, यहाँ पे एक सपोर्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, पास लाना, ये बेसिकली मैंने लकड़ी के पीसेस लगाए हैं बहुत सॉलिड, इसके जो स्क्रूज़ हैं वो अंदर तक जा रहे हैं, और उसमें बोल्ट भी कसा हुआ है, तो इसके ऊपर प्लैंक सपोर्ट के लिए आ जाता है। और आगे एक स्टूल रखेंगे हम। तो गाइज़ ये काफ़ी मतलब ईजी सेटअप है, और इसमें मॉडिफिकेशन भी भाई ने कुछ ज़्यादा करी, कुछ भी नहीं है, बल्कि एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया, और ये प्लैंक तो ऐसे ही कटा हुआ आपको रेडीमेड मिल जाएगा। और ये कितने एमएम का होगा, हाफ? ये 8 mm की प्लाई, नहीं नहीं ये एक इंच तो नहीं लग रही है, 10 नहीं है ये, 8 mm है। हाँ, तो मतलब आपका वेट? मेरा वेट होगा 69-70 के आसपास, तो सही है। बट क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का वेट होता है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने अपना सर इस साइड पे रखता हूँ, बाकी वीडियोज़ में आप देखना, और बॉडी उधर रहती है। तो बेसिकली आगे का जो लाइट सपोर्ट है ना, वहाँ पे सिर्फ मेरे पैर रहते हैं, और उतने भी पूरे भी नहीं रहते, क्योंकि आप ऐसे करके सोते हो। हाँ हाँ, तो ये देखिए, तो ये जाएगा आप अंदर, ठीक है।
इसको लगाने के लिए एक कुशन, ये कुशन, ये दूसरा कुशन, ये बैठ गया यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बैठ गया, सेट हो चुका है। तो अब जो है भाई इसमें शायद, तो मैंने ये पहले क्या किया था कि नीचे कुंडी लगाई थी, बट उससे अच्छा मैंने क्या किया कि ये वाले जो सपोर्ट है उसके अंदर छेद कर दिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रू डाल देता हूँ उसके अंदर, बस ये आ गया स्क्रू। बैकग्राउंड नॉइज़ तो थोड़ा, कोई बात नहीं, कुछ लोग। तो ये दो स्क्रू डालने से क्या होता है कि अब ये इधर को खिसकेगा नहीं, यस स्लिप नहीं होगा नीचे, हाँ। ये फिक्स हो गया अब। उसके बाद और उनको कसना भी नहीं है, जस्ट डाल के बस डालना है और सुबह एक सेकंड में ये देखो ना, ये निकाल से किया बाहर और ये निकल गया, कुछ भी नहीं करना। सही है, तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, और अगर आप अपना दिमाग लगा के कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो भाई वो तो फिर और भी अच्छा है। तो ये रेडी हो गया, बस इसके ऊपर अब चलो आपको दिखाई देते हैं एक बारी कैसे है। वैसे मैंने कितनी सारी वीडियोस वैसे हमें जो आएंगी अभी, बिल्कुल उसमें आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट दिख जाएगा। ये हम शायद तीसरा चौथा डे है हमारा तो कैंपिंग करते हुए, तो ये भाई ने मतलब कर लिया एक्सपीरियंस, उसके बाद हम बना रहे हैं वीडियो, है ना। हाँ, और मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लगा ये, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यार इसके ऊपर कैसे मैं अंदर ऐसे घुस जाता हूँ ये, ठीक है। तो भाई जा चुके हैं अंदर, और ये फ्रंट वाला मतलब फ्रंट का एरिया है गाड़ी का, और भाई का सर जो है वो तो पीछे की तरफ रहेगा। हाँ ये देखिए, अब जो है भाई बिल्कुल आराम से गाड़ी में सो चुके हैं। देखो मैं पूरा लंबा लेटा हूँ तब भी मेरे पैर ये, और अभी तो मैं सर यहाँ पे रख नहीं रहा, पीछे भी काफ़ी जगह है यहाँ पे। ये देखो यहाँ अभी भी काफ़ी गैप है, तो सही है भाई। ये देखो यहाँ सर के यहाँ से भी मेरे काफ़ी गैप है पीछे। अच्छा हाँ, पीछे भी जगह है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर भी जगह है काफ़ी, सही है। अब बेसिकली क्या होता है कि रात में जब हम सोते हैं तो वो ऐसे करके सोते हैं, अब ऐसे देखो तो पीछे और बहुत ऊपर स्पेस है। हाँ, ऐसे करके आप सो गए, अच्छा खासा स्पेस है। तो गाइज ऐसे कंफर्टेबली अपनी गाड़ी में इमरजेंसी की सिचुएशन में भी, और अगर हमारी तरह कार कैंपिंग कर रहे तो उसके लिए भी, और भाई के पास स्टोरेज तो बहुत, क्योंकि यहाँ पर भी स्टोरेज है, यहाँ भी स्टोरेज है देखिए। और अभी भाई का मन नहीं है बाहर आने का, धूप लग रही है बढ़िया, मन कर रहा है एक नैप ले लो, ठीक है भाई बनाते हैं। और ये बस दरवाजा खोला है इसे, बिल्कुल, और सुबह निकल गए। That's it. इस गाड़ी का थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि ऑल्टो से थोड़ी खुली है और स्पेस अंदर ज़्यादा है, तो ये भी फायदे है। और मैंने अभी इसमें क्या रखा है ना भाई, ये देखो एक बार आपको दिखाता हूँ मैं, जो दूसरी साइड है ना, इधर से दिखाओ, ये जो दूसरी साइड है ना, ओके okay. मैंने यहाँ पे भी हाँ ये लगा रखा है सपोर्ट। अच्छा। बैकअप के लिए इन केस इन फ्यूचर दो बंदे हो जाते हैं, हम एक से भले दो हो जाते हैं तो बस एक प्लैंक लेना है और इसके ऊपर लगा देना है। सही बात। और ये जो बैग्स वगैरह हैं इसको हम एज अ सपोर्ट स्टूल के जगह बैग्स को यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर कुशन लगा के। पहले मेरा आइडिया वही था, बट मैंने कहा पहली बार एक बार उससे ट्राई करते हैं, तो वो सामान वहां जाएगा और इस बॉक्स के अंदर भी ज्यादा सामान फिर रखेंगे, दो बंदे आराम से सो सकते हैं। और भाई आपकी हाइट? मेरी हाइट है यार 6 feet, पूरी छः। हाँ पूरी छः। तो 6 feet वालों के लिए है ये सीट डाउन करने का सीन, अगर मेरे जैसे 5-6 वाले हैं तो वो तो भाई सीट के पीछे ही आ जाएंगे, है ना। हाँ, क्योंकि सीट थोड़ी उधर पुश आगे करके हाँ, क्योंकि ऑल्टो में ही हम आ जाते हैं तो इसमें तो आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल। तो उनको इतनी ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि मतलब अपने हिसाब से यार आपको जो सूटेबल लगता है ना, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप। सही। तो ये जो बॉक्स है ये भाई ने खुद से बनाया है, मतलब अपने हिसाब से खुद, मतलब कारपेंट्री करके, है ना, घर पे। तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो भाई की वीडियो में जा करके देख सकते हैं बनाने का प्रोसेस, बाकी हमने आपको बता दिया कैसा है क्या है, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। और भाई ने यहाँ पर कुछ लाइटिंग वगैरह जो है ऐसे घुमा के लगा रखी है, जो कि रात को बहुत सुंदर लगती है। तो आप व्लॉग्स ज़रूर देखना, क्योंकि हमने कैंपिंग जो है शूट कर चुके हैं हम, तो और यहाँ से आगे भी जा रहे हैं, तो काफ़ी सारे व्लॉग आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कुछ बोलेंगे? बस भाई आपका सपोर्ट चाहिए, एंड भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और गाइस वीडियोस देखते रहो। और बहुत अमेजिंग इस बार ही हम लोग लोकेशंस पे रुके हैं, मतलब मेरा तो बहुत फर्स्ट टाइम था, भाई ने तो काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन मज़ा खूब आया मुझे। अभी पर्सनली 4-5वां दिन आई है कि मज़ा आ रहा है अभी तक कि कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल भाई मज़ा आना चाहिए। और भाई का चैनल सब्सक्राइब करना, मेंशन कर रहा हूँ मैं, और साथ में दिल्ली
नाम भाई ने बता भी दिया, और वीडियोस तो भाई ने पहले से बहुत सारी ट्रैवलिंग की, भाई तो नेपाल तक जाके आए हैं, तो वो भी देखना और ये भी देखना बाकी। थैंक यू ब्रो। ओके, तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं सीधा आप आगे बढ़ते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, सी या।